एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग आ रहा है आपके पास अभी आगरा से। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग इन आगरा और हम लोग जा रहे हैं अयोध्या अभी, राम जन्मभूमि। रात को हम लोग जो है दिल्ली से निकले थे, प्लान जो है रात में आगरा रुकने का था, बाय रोड जाने का प्लान बना अयोध्या। ट्रेन की बुकिंग में बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, सो हमने सोचा कि रादर देन गोइंग बाय ट्रेन लेट्स गो बाय रोड एंड एक्सप्लोर ऑन रूट प्लेसेस फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या। रात को हम लोग निकले थे अराउंड 8 o'clock फ्रॉम दिल्ली। यमुना एक्सप्रेस वे लिया हमने आगरा के लिए और आगरा हम लोग पहुँचे रात को 11:30 बजे। वेयर आई एम करंटली, दिस इज़ नोन एज द प्लेस इज़ नोन एज सिकंदरा। टॉम्ब है ऑफ अकबर द ग्रेट एंड हिज वाइफ मरियम। आई कैन हेयर द पीकॉक्स। सो दिस इज़ अराउंड द एंटायर प्लेस ऑफ सिकंदरा विच आई विल शो यू क्विकली। सो आइटनरी ऐसी है कि हम लोग अभी यहाँ से मॉर्निंग में प्लान था कि हम लोग थोड़ा सा आगरा एक्सप्लोर करके, वैसे तो आगरा बहुत बारी पहले देखा हुआ है, ताजमहल, दयाल बाग और रेड फोर्ट, नॉट सो स्पेशली रेड फोर्ट, बट ताजमहल जाने का प्लान था, एक बारी बस कवर करना था बिकॉज सिस्टर ने नहीं देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली वी गॉट टू नो आज फ्राइडे होने की वजह से ताजमहल बंद है फॉर पब्लिक व्यूइंग, तो आई गेस ताजमहल नहीं हो पाएगा। दयाल बाग कोशिश करेंगे कि दयाल बाग जाएँ। अच्छा, हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे पास में जो गुरुद्वारा है, गुरु नानक ताल गुरुद्वारा में। दिस इज़ बेसिकली ऑन ओल्ड दिल्ली मथुरा हाईवे। सो यहाँ से सिकंदरा, व्हेन यू एंटर आगरा फ्रॉम द ओल्ड हाईवे, पहले आपको सिकंदरा मिलेगा, देन गुरुद्वारा गुरु नानक ताल एंड देन द मेन सिटी ऑफ आगरा। सो फटाफट अभी जो है मॉर्निंग के 6 बजे हैं और हमारा ASI ने टिकट्स अभी ऑनलाइन कर दी हैं, तो हमने ऑनलाइन टिकट परचेज करी है एंड लेट्स क्विकली एक्सप्लोर अराउंड सिकंदरा एंड देन गेट बैक टू गुरुद्वारा और निकलते हैं फिर सीधा अयोध्या के लिए। जय श्री राम। और वहाँ से हम लोग निकलेंगे, अगर टाइम बचा तो लेट गो टू बनारस और ऑन रिटर्न वी माइट गो टू लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। इट इज़ 6:29 इन द मॉर्निंग और द बेस्ट पार्ट इज कि सब कुछ खाली है। आई हैव द एंटायर प्लेस टू माई सेल्फ टू शूट। सो बेसिकली अभी यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसको ASI अभी रेनोवेट करा रहा है। दिस इज़ द ग्रेव ऑफ अकबर द ग्रेट। बॉस बहुत क्रीपी सा लग रहा है, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं वाला। ये अकबर की ग्रेव है। ये हिरन है, एक हिरन कंटिन्यूसली मेरे को लुक दे रहा है और अभी वो पलट के दूर चला गया। सो बेसिकली ये मुगल गार्डन है। अच्छा, वेरी क्विक फन फैक्ट अबाउट मोर। मोर हमारा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, सो आई गेस यू पीपल माइट बी नोइंग, और जिन लोगों को नहीं पता है, कभी भी कोई मोर अगर मरता है तो उसको हमेशा नेशनल फ्लैग में, इंडिया के नेशनल फ्लैग में उसको बरी किया जाता है, उसको दफनाया हमेशा इंडिया के नेशनल फ्लैग में जाता है। एक ऑनर और एक प्राइड है हमारे नेशनल बर्ड के लिए। चलो, वी आर डन विद सिकंदरा एंड नाउ लेट्स क्विकली मूव टू गुरुद्वारा साहिब। नहाकर सुबह दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहिब के एंड देन वील कैच यू ऑल फॉर द राइड। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।
राजा दशरथ जन्मभूमि यज्ञशाला। दशरथ महाराज की जन्मभूमि है, राजा दशरथ महाराज के तो बेटा नहीं होते थे। दशरथ महाराज जब के राम के जन्म के लिए चार पुत्र आए, राम लक्ष्मण भरत और सुमन। ये दशरथ महाराज बैठे जो काले मुंह वाले मुकुट लगाए हैं, बगल में गुरु वशिष्ठ महाराज सफेद दाढ़ी वाले दशरथ महाराज के गुरु जी। ये सिंह ऋषि महाराज जो है कराए, ये दुर्वासा ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, ऊपर में राम लक्ष्मण, नीचे भरत और माता को सुंदर जी हैं, बगल में हनुमान जी हैं। परिवार में जिसके बेटा नहीं है, ये राम नाम भगवती ले जाते, मंगलवार को खाते, मंगल को फराई भोजन करते हैं। जब बेटा हो जाता साल दो साल पाँच साल का, ये सब घंटा भी पड़ जाता है। ये सब शादी का है, नौकरी का है, पुत्र का, बिजनेस का, के सुखंडा मानता है, पूरा होता है। भगवान को खेल पूरी भोग लगाते 12 महीना। हनुमान जी खड़े हैं, शंकर भगवान, राम भगवान, विष्णु जी, हरिश्चंद्र। ये दशरथ जी का महल। सो नाउ वी आर एट अम्बेडकर पार्क इन लखनऊ। अभी सुबह वी लेफ्ट फ्रॉम अयोध्या एंड अभी वी आर स्टेइंग इन लखनऊ। Guys, hi. Right now we are in Ambedkar Park in Lucknow. Brightness thodi si kam hai, but you might not be able to see me. But jo park bana hua hai, it is simply amazing. Park ke andar jo matlab area of the park is simply amazing. Itna bada area hai park ka ki you will get tired ghumte ghumte. Ambedkar Park hai हज़रतगंज के पास, एंड यू शुड कम एंड सी दिस प्लेस, इट इज़ सिंपली अमेजिंग मैन। मतलब ये पार्क, यहाँ से यू एंटर फ्रॉम दैट क्रॉसिंग अम्बेडकर सर्कल, और वहाँ से एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट ऑफ द पार्क इज़ 15 रुपीज़, एंड आई गेस विच इज़ प्रिटी चीप। मतलब चीप क्या, इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू नथिंग। Guys, this is seriously, this is massive.
ये है रूमी गेट लखनऊ का, बड़ा इमामबाड़ा इसके लेफ्ट में है। यहाँ पे जो है गदर की शूट बोलते हैं कि जो लाहौर दिखाया था गदर मूवी के अंदर, ये लखनऊ का शूट हुआ हुआ रूमी गेट है। सो ये बेसिकली बैक साइड है रूमी गेट की। उस तरह से आर्किटेक्चर आपने देखा इसका अलग था, इस तरह से इसका आर्किटेक्चर अलग है। ये बेसिकली लाहौर की साइड है, वो बेसिकली इंडियन साइड है। लखनऊ की पिक्चर गैलरी है और ये एक टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम में उनकी कचहरी हो करती, कोर्ट होती थी। अब इसको कन्वर्ट करके इन्होंने पिक्चर गैलरी बना दिया है और अभी इसके अंदर जो जितने भी नवाब रहे हैं लखनऊ के, एंटीक्स कलेक्शन गैलरी है बेसिकली। सो गाइस, दिस इज़ फाइनली अ रैप फ्रॉम लखनऊ। अभी हम लोग हैं बड़ा इमामबाड़ा के अंदर और यहाँ पे हम लोगों ने एटलीस्ट 2 घंटे पूरा स्पेंड किया है। और यहाँ पे ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स बड़ा इमामबाड़ा है, ये मस्जिद है और मेरे राइट साइड के ऊपर यहाँ पर ये बावली है। इमामबाड़ा के अंदर एक भूल भुलैया भी है, मेज़ भी है। तो यहाँ पे आप आओ तो गाइड के साथ आओ और एटलीस्ट 2 या 3 घंटे निकाल के आओ, क्योंकि 2-3 घंटे आपको लग जाएंगे आराम से यहाँ पे घूमने के लिए। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। अभी बज चुका है 1 और हम लोग निकल रहे हैं अभी लखनऊ से फाइनली आगरा के लिए। आगरा पहुँचेंगे अराउंड 4 घंटे में, फिर आगरा से आगे दिल्ली निकलेंगे। सो दैट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो। फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम लखनऊ, बड़ा इमामबाड़ा फ्रॉम लखनऊ। तो नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू लखनऊ, अलाहाबाद एंड बनारस। सो होपफुली वी विल गो टू बनारस एंड देन वी विल कवर अप फ्रॉम देयर।